नमस्ते दोस्तों, आज वीडियो नंबर 5 लेके आए हम। मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। आज इस चैप्टर पे हम 20 एमसीक्यू लेने वाले हैं, तो शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 1 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू हो चुका। समाप्त होता है और इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। चलो, समय समाप्ति की घोषणा हो रही है, 3, 2 और 1। समय समाप्त और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट। समय समाप्त, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 अगस्त 2000। अगला क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर है राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। समय समाप्ति की घोषणा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। समय समाप्त और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर,
फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। चलो, समय समाप्त हो रहा है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। 11th CET के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। समय समाप्त होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ ट्रायंगल एबीसी, एबी इज 6√3 cm, AC इज इक्वल्स टू 12 cm एंड BC इज इक्वल्स टू 6 cm, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए। चलो, इसका समय समाप्त होता है और इसका आंसर है ऑप्शन ए, 30°। अब आपके सामने डायग्राम दी गई है। डायग्राम के साथ में एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल RST, एंगल S इज इक्वल्स टू 90°, RT इज इक्वल्स टू 12 मीटर, ST इज इक्वल्स टू 8 मीटर, तो आपको RS फाइंड करनी है। चलो, डायग्राम के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आपका समय समाप्त हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए और आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है 4√5 मीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे भी डायग्राम है, ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90°, सेगमेंट QR परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस PR इज इक्वल्स टू 16 cm एंड RM इज इक्वल्स टू 9 cm, देन QM हमें फाइंड करना है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए, 12। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे भी डायग्राम है, ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल्स टू 90° एंड C दी के रखा है 30°। AB की वैल्यू 6 cm दी गई है और आपको AC की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन डी, 12 cm। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। डायग्राम है, ट्रायंगल PQR, Q इज इक्वल्स टू 90° और C 30° देके रखा है। PQ इज इक्वल्स टू QR 5√2 है और PR की वैल्यू 10 है, तो आपको एंगल P फाइंड करना है। नंबर 12 का आंसर आपके स्क्रीन पे शायद दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी, 45। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथा
पाइथागोरन ट्रिपलेट। नंबर चलो क्वेश्चन नंबर 13 का टाइम खत्म होते हुए आ रहा है। आपका आंसर रेडी होगा, आपके सामने आंसर दिखाई दे रहा है। आंसर है 60, 61 and 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोलोनियस थ्योरम इज थ्योरम रिलेटिंग द लेंथ ऑफ डैश डैश ऑफ अ ट्रायंगल। चलो समय समाप्त हो चुका है क्वेश्चन नंबर 14 का, और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन डी, मीडियन एंड साइड्स। पर 15 करते हैं, ट्रायंगल QSR मेजर Q इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, मेजर S इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड SR इज इक्वल्स टू 4, फाइंड QS। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिगर है आपके सामने, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 122, बी सी इज इक्वल्स टू 10, देन फाइंड ए क्यू। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो है ऑप्शन बी, 6। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड सेगमेंट QAS परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनियस PR, देन क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए, QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS इनटू RS। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल। टाइम खत्म हो चुका है, आप आंसर के साथ रेडी हो गए, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, जो कि तीनों ऑप्शन है ए बी एंड सी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर अबव द ग्राउंड, द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग इज।
चलो टाइम खत्म हो रहा है, आशा करता हूँ मैं कि आप क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर के साथ रेडी हो गए। जल्द ही आपके स्क्रीन पे आंसर दिखाई दे रहा होगा। आंसर है ऑप्शन सी 15। अब करते हैं अगला क्वेश्चन 20। अ मैन गोज 9 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 40 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ऑप्शन आपके सामने है। और आंसर के साथ रेडी हो गए शायद आप, तो आपके सामने आंसर है ऑप्शन सी 41 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। अब तक हमने 5 चैप्टर डाले हैं, कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपके शायद प्रिपेयर होने चाहिए। स्क्रीन पे आपको हमारा यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल